صلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من لم یهتم بامور المسلمین فلیس منا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، الیکشن کا موقع ہے، انتخابات کے موقع سے جو باتیں ضروری ہیں، علماء کرام متوجہ کر رہے ہیں، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانے کی ذمہ داری جمہوری ملک میں جب تک جمہوریت باقی ہے ایک ڈیموکریسی کے سسٹم میں، جب تک کہ اس کا دستور اور کانسٹیٹیوشن جمہوری باقی ہے، ایسے ملک میں ووٹ کی اہمیت اور پھر ملک جن نازک تاریخی حساس دورانے سے گزر رہا ہے، اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے گہری سوجھ بوجھ اور اپنے اکابر اور دانشوروں سے مشورے کے بعد کسی ایک پارٹی کا انتخاب، یہ وہ پہلو ہیں جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جیسے اہمیت دی جانی چاہیے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانے کی اہمیت دی ہی نہیں جاتی، اور جیسا ووٹ ڈالنے کو دینی شرعی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، امت کا ایک دیندار طبقہ بھی اس کو دینداری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، شرعی ذمہ داری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں آج بھی دکھائی دیتی ہے کہ الیکشن کا دن، ووٹنگ کا دن تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، دینی تنظیمی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، یہ ایک طرح کا اجتماعی جرم ہے کہ ووٹ ڈالنے سے ہی اپنے کو اپنے گھرانے کو روک دیا جائے۔ کیا فائدہ ہے پورے 5 سال حکومتوں کی شکایت کرنے کا، کیا فائدہ ہے بعد میں سے انسان، انسانیت دشمن اور اسلام مخالف بلوں کے پاس ہونے پر کیا شکوہ ہے، جب آپ نے جب ووٹ ڈالنا تھا ڈالا ہی نہیں، جس درجے الیکشنی سیاست میں فہم و بصیرت کا استعمال کرنا چاہیے تھا آپ نے استعمال کیا ہی نہیں۔ عام طور پر جب الیکشن کی بات آتی ہے ہر آدمی واٹس ایپ کے چند کلپوں اور اخبار کے چند روز مطالعے کے بعد اپنے آپ کو صاحب رائے بھی سمجھتا ہے، صاحب رائے بھی سمجھتا ہے، میں رائے دینے کا قابل بھی ہوں اور میری رائے درست بھی ہے۔ ہر آدمی جب اپنے آپ کو صاحب رائے اور صاحب رائے سمجھے گا تو پھر اتحاد کیسے قائم ہوگا، اجتماعیت کیسے بنے گی،
मशवरे का माहौल कैसे तामीर हो सकता है, किसी बड़े की सरपरस्ती में मुश्तमे कैसे हो सकते हैं। 70 साल एक्शन का खुलासा किसी भी फिरका परस्त तंजीम के आने मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के आने का राज एक ही है, सेकुलर और मुल्क की तामीर और हकीकी मसाइल चाहने वाले लोगों के वोट का बिखर जाना, चाहे वो पार्लियामेंट और मुल्की सतह का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली और सूबाई सतह का इलेक्शन। 70 साल इंतखाबात में हारने की वजह फिरका परस्त तंजीमों के जीतने की वजह फिरका परस्तों का मुत्तहिद होना और सेकुलरिज्म पसंदों का बिखर जाना, चाहे उनके वोट 30% होते हो, वो मुत्तहिद रहते हैं और सेकुलर इज्म पसंद लोगों के वोट चाहे 70% हो चाहे 60% हो, लेकिन वो बिखर जाते हैं बरादरियों के नाम पर, अपने जाती ताल्लुकात के नाम पर। तंजीमों का बिखराव, जमातों का टूटना, ये वो असबाब है जिसकी वजह से वोट बढ़ जाते हैं। इंतखाबात के मौके पर, इलेक्शन के मौके पर ऐसा बहुतान, ऐसा इल्जाम, ऐसा जत्थाबंदी, ऐसी महाज आराई न कीजिए कि ईमानी कुव्वत भी याद करे कि मेरा ईमान वाला भाई है, अपना आलिमाना वकार भी ना रहे। इलेक्शन का मैदान अहमियत रखता है, वोट डालना वाकई जिम्मेदारी है और सियासी मैदान में उतर कर कौम और मुल्क की खिदमत वाकयातन मुल्क की तरजीह की जरूरत है अगर उसकी तरबियत हो चुकी हो, लेकिन इतनी बड़ी जरूरत नहीं है कि आप मूर्ति पूजा करने लग जाए। इतनी बड़ी खिदमत मत कीजिए कि कुफरिया शाकिर अपनाने लग जाए। आप इस्लाम की खिदमत क्या मुर्तद होकर करना चाहते हैं? क्या इस्लाम की खिदमत अपने मुसलमान भाई के खिलाफ अपनी जबान को इस्तेमाल करके आप करना चाहते हैं? हुदूद इख्तलाफ, जरूर समझदार आदमी की राय दूसरे की राय से अलग हो सकती है, लेकिन मेरी राय राय ही है, वही नहीं है। इलेक्शन के मौके पर इतनी बदतमीजियां, इलेक्शन के मौके पर एक दूसरे से बाजारी जबान का इस्तेमाल इतना ना हो कि फिर एक दूसरे का मुंह देखने के हम काबिल ना रहे। दूसरे मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर मुत्तफक आए काम पर हम जमा होने के मौके में ना रहे। एक मस्जिद की कमेटी है, कमेटी के अफराद दो पार्टियों की तरफ बिखर गए। अब सियासी इंतशार का असर, सियासी जानबदारी का असर, सियासी झुकाव का असर मस्जिद की कमेटी में दाखिल हो गया, दीनी तंजीम में दाखिल हो गया, एक मदरसे के मुदरसी में दाखिल हो गया। इलेक्शन आएगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह का जो फैसला है, हमारी जो मुत्तहिदा या मुंतशिर कोशिश है,
उसको भुगत लेंगे, लेकिन हमारे मुत्तफक अलैह, हमारे मुस्बत और हमारे तामीरी काम में जो कुछ थोड़ा बहुत जोड़ बाकी था वो भी खत्म हो जाए, जो तआवुन बाकी था वो खत्म हो जाए, जो नजदीकियां थी दूरियों से बदल जाए। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की पार्टियों में कोई दूर की दूरी भी नहीं? आप चाहते हैं खड़े होने वाले उम्मीदवारों में, कैंडिडेट में अक्सर वो है, शायद ही कोई समाप्त का नंगा न हो कि जिस पर औकाफ की जायदाद के हड़प कर लेने, कत्ल के इल्जाम और मुख्तलिफ किस्म की धांधलियां और स्कैम का दाग और खून उसकी गर्दन पर ना हो, इतनी भी ज्यादा मुआफ़क़त न कीजिए कि अपनों से अदावत पैदा हो जाए, इतनी भी ज्यादा मुआफ़क़त न कीजिए कि खुद ईमानी उख़ुव्वत का जनाजा निकल जाए। जो अपने इख्तिलाफ में मुखलिस होता है वो बाअदब रहता है, जो अल्लाह के लिए अपनी राय दे रहा है वो कभी ही अपने ईमान वाले भाइयों पर तहासुन, तबाउस, तदाबुर, ये हसद, गीबत, बदगुमानी, दौलत, औरत का इल्जाम, इस किस्म की चीजों की तरफ वो बहकता नहीं है अगर वो इखलास पर अपनी राय दे रहा है। इख्तिलाफ हजरत मुआविया, हजरत अली, इख्तिलाफ हजरत आयशा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अजमईन में, इख्तिलाफ हजरत इमाम अबू हनीफा उनके शागिर्द, राय का फर्क चारों इमामों में, मुखलिसीन में राय के फर्क के बावजूद एक दूसरे की खूबियों का इकरार, राय के फर्क के बावजूद एक दूसरे का इकराम, राय के फर्क के बावजूद मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ इत्तेहाद, राय के इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे के लिए दुआ करना, राय के फर्क के बावजूद दिल की ये तमन्ना कि शायद मेरे भाई की राय ज्यादा सही हो सकती है, अल्लाह उसके जरिए से काम ले, राय के फर्क के बावजूद मुत्तफक आले काम में लोग कादियानी बन रहे हैं, इसके मुकाबले में तो कोई इख्तिलाफ नहीं, लोग फयाजी शकीली बन रहे हैं, इसके खिलाफ मेहनत में कोई इख्तिलाफ नहीं, मकातिब मदारिस को फैलाना इसमें तो कोई दो राय नहीं, उम्मत में तलाक और खुला की शराह को रोकना इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, बेटियों और बच्चों के इर्तिदाद को थामना, अपने उलमा की निगरानी में स्कूल का कायम करना इसमें तो कोई दो राय नहीं, सूद और ब्याज की रोकथाम ये हमारी अव्वलीन जरूरत है। आप इख्तिलाफात इंतखाबात के इतने न बढ़ाइए कि तरजीही तकाजों, मुत्तफक अलैह तकाजों पर काम करने के लिए आपके पास मैदान बाकी न रह जाए। मुत्तफक अलैह पॉजिटिव और मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव तामीरी मैदान के लिए आप अपने मुकाबिल साथी का तआवुन ही आप न ले सके। तो ये बात थी जो इस मौके पर हमारे अकाबिर की राय का फर्क जब मुल्क तस्सीम हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान के फर्क बहुत उरूज पर थे, जबरदस्त किस्म का इख्तिलाफ था, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर, लेकिन हमारे पास मिसाली अकाबिर की जबान और दिल अपने मुकाबिल के उलमा के बारे में, अवाम के बारे में रुकी हुई थी, थमी हुई थी, उन्होंने जबान को गंदा होने नहीं दिया और दिल को गंदरा होने नहीं दिया। दूसरी बात मेरे बुजुर्गों,